नमस्कार दोस्तों दोस्तों आइए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक क्लियर कर लेते हैं। बच्चों आज का जो टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन। ये बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर इसका जो मल्टीप्लिकेशन है इस टाइप का क्या इसका कोई शॉर्ट ट्रिक हो सकता है। तो यस बच्चे हमने आज इसका एक शॉर्ट ट्रिक जनरेट कर दिया है। तो बच्चों ध्यान से देखो, सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं। बच्चों अगर आप मेरी लाइव क्लास लेना चाहते हैं अनअकैडमी पर, क्लियर आपको दिख रहा होगा, अनअकैडमी पर अगर आप मेरी लाइव क्लास मैथमेटिक्स और रीजनिंग की यदि लेना चाहते हैं तो बच्चे रीजनिंग की लाइव क्लास हमारी जो चलती है, ये देखिए रीजनिंग की जो लाइव क्लास है वो 6 PM से 8 PM शाम को चलती है। क्लियर, 2 घंटे की क्लास होती है अनअकैडमी पे। आप प्ले स्टोर में जाइए और वहां पर बच्चे अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। क्लियर, दूसरा मैथमेटिक्स की जो हमारी लाइव क्लास चलती है वो बच्चे लाइव क्लास मैथ की 9 PM से 11 PM रात को चलती है। क्लियर, जो बच्चे भी दो दो घंटे, चार घंटे, 2 घंटे में 2 घंटे रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं वो हमारा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। ये बच्चे मेरा रेफरल कोड है, वहां पर जाएंगे तो मेरा रेफरल कोड है मंजीत तेजस। क्लियर, तब आप हमारी पूरी लाइव क्लास देख पाएंगे। मंजीत तेजस मेरा रेफरल कोड है, इसको डाल के अप्लाई कर दीजिएगा, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, आपको 10% डिस्काउंट हो जाएगा। क्लियर, तो बच्चों इसको कर लीजिएगा। जो भी बच्चे मेरी लाइव क्लास लेना चाहते हैं वो आप 6 से 8 शाम को और रात को 9 से 11 मैथमेटिक्स देखेंगे। तो आइए अब आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बच्चे है मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन क्या है, ध्यान से देखिए, सभी बच्चे देख लें मल्टीप्लिकेशन में कैसे करना है। पहला टाइप, क्लियर, पहली बात बच्चे बहुत ध्यान से देखिएगा, कंसंट्रेट होके, अगर आप जल्दी जल्दी वीडियो देखेंगे, आगे भगा के देखेंगे तो मेरा काम तो हो जाएगा बट बच्चे आपका काम नहीं होगा। तो देखो कैसे ध्यान देंगे सभी लोग, अगर मैं यहाँ पे पहला टाइप का मल्टीप्लिकेशन ले लूँ तो बच्चों पहले टाइप का है, मान लीजिए 9 है, फिर 9 9, फिर 9 9 9, फिर 9 9 9 9, क्लियर, और फिर 9 9 9 9 और 9 और डॉट डॉट डॉट, अगर बच्चों ले लें ETC। कहने का मतलब है कभी 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9, कितने भी 9 हो, क्लियर, आप देखते ही आंसर कैसे मारोगे। टाइप नंबर 1 ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, तो टाइप नंबर 1 यही है। देखो इसको कैसे अब हम करते हैं, पहले इसका टाइप का तरीका समझो, क्लियर, आगे मैं बहुत सारा सॉर्ट कर दूंगा, बस ध्यान से देखिए। जैसे बच्चे मान लेते हैं अगर हमने यहाँ पर 6 × 6 × 9 कर दिया, क्लियर, तो अब यहाँ पर बताओ आप क्या करोगे, 6 × 9 = 54। एक तरीका है कि आप इसको कर दोगे 54, डायरेक्ट कर दोगे, पहला तरीका, क्लियर। अब दूसरा तरीका अगर मैं आपको बताऊं तो आप क्या करोगे कि सर 6 × 9 है, क्लियर, 6 × 9 है तो हम 6 कर दें और 6 में से 10 − 6 को घटा दें। बोलो अगर यहाँ पर 6 को, यानी कि ये यहाँ पे 1 लिख दें तो आप क्या करोगे सर 60 − 6 घटाओगे तो भी हमारा सर आएगा कितना, 54 आएगा, क्लियर, एक तरीका। अब बच्चे मान लीजिए एक तरीका ये आप जनरली गुणा कर दें, दूसरा तरीका है कि आप जहां पर 9 है वहां पर 10 - लिख दें, और बच्चों तीसरा तरीका अगर हम बताएं तो तीसरा तरीका देखो क्या बनेगा, कोई भी संख्या यदि हमको लेनी है तो सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें कितने 9 हैं, क्लियर, यहां पर लिखा हुआ है 6 × 9, सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें कितने 9 हैं, तो यहां पर हम 6 लिखेंगे और जितने 9 हैं उतने 0 बढ़ाएंगे और उसमें से वही संख्या को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो 60 में से 6 गया तो भी कितना होगा, 54 होगा, क्लियर। तो अब ये घटाने बटाने वाले जो नियम हैं ये आपको दिक्कत में डालेंगे, क्लियर, तो ये भी नियम आपको पता होगा,
ये भी तरीका आपको पता होगा, ये भी तरीका आपको पता होगा। जैसे यहाँ पर एक मैं और कर देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर हमने 12 इंटू 99 लिख दिया या एक 9 और बढ़ा दिया, तो बच्चे क्या करना है, 12 को कितने 9 हैं, 2 9 हैं, तो 2 और इसमें से जो संख्या थी उसी को क्या कर देना है, लेस कर देना है, वही आंसर हो गया। फिर एक और देख लीजिए, 181 × 9 9 9 9, इधर कुछ भी कर दो कितने 9। अब यदि इसको सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे, 181 और कितने 9 है, 4 9 है, तो 4 0 बढ़ाएंगे और इसमें से वो संख्या घटा देंगे जो आपको गुणा करनी थी। तो क्या है यहाँ पे कितना घटाना था, 181, दैट्स द आंसर। क्लियर, ये तरीका आपको पता है। अब आज के बाद इन मेथडों को आपको अप्लाई नहीं करना है। क्लियर, तो बच्चे देखिए आज के बाद आपको करना क्या है वो देखिए। क्लियर, अब मैं आपको ये तरीका, अब यही तरीका सेम आप आगे लगाएंगे, तो इसको मैं मेट रहा हूं। ये तरीका आज के बाद आपको अप्लाई नहीं करना है, नहीं करना है, ये सभी लोग जानते हैं। तो देखो करना क्या है, इसको मैं मेट देता हूं बच्चों, इसको मैं मेट देता हूं और ध्यान से देखिएगा कि आज के बाद ये चीज आपको नहीं करनी है, तो करनी क्या है। क्लियर, देखिए आज के बाद आपको क्या करनी है, ध्यान से समझिएगा। क्लियर, मेथड नंबर 4th आपको अप्लाई करना है, क्योंकि हम घटाने से भी बच जाएंगे। तो देखो कैसे, जैसे हमने यहां पर लिख दिया बच्चे 12 × 99। क्लियर, बस इतना याद रखना है इस 4th में कि जितने 9 होंगे उतनी ही हमको संख्या बना लेनी है, और किसी भी संख्या के आगे जीरो लगाने से वैल्यू के मान पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब देखो इसको हमने कर लिया, अब करना क्या है, इसको सॉल्व करने का तरीका समझो। यहाँ पे ये हमने 9 कर दिया, तरीके आप बहुत जानते हो, 3 मैंने ऊपर बताए हैं, 3 नहीं लगाने, इस संख्या में से -1 को लेस करो, तो इस संख्या में -1 को लेस करोगे, बोलो बच्चे कितना आएगा, 11 आएगा ना, 11 आएगा, और इधर कितनी संख्याएं हैं, अभी 2 संख्याएं हैं। क्लियर, अब आप क्या करेंगे कि इस संख्या में से, ध्यान दीजिए, इस संख्या में से रेड से कर दे रहा हूं, इस संख्या को घटाना है और यहां पे लिख देना है। क्लियर, और इस संख्या में से, समझाने के लिए, इस संख्या में से इस संख्या को घटाना है। क्लियर, और यहां पर लिख देना है। क्लियर, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए रख देते हैं जल्दी से, तो देखिए 9 में से 1 गया, यहाँ क्या बचेगा, 8 बचेगा, फिर 9 में से 1 गया, यहाँ कितना बचेगा, 8, दिस इज द राइट आंसर, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है बच्चे सभी का, कॉन्सेप्ट पकड़िए। अभी देखिए ये मैं आगे की संख्याओं पर लूंगा, यहां से मैं एक कॉन्सेप्ट बना रहा हूं, और जब ये कॉन्सेप्ट आपका क्रिएट हो जाएगा तो फिर आगे की कोई भी प्रश्न आप बड़े आसानी से कर लेंगे। तो देखिए ध्यान से, मैं एक प्रश्न और लेता हूं समझाने के लिए। क्लियर, देखिए सही बच्चे, मान लेते हैं हमने यहां पर ले लिया 18 और इंटू 999। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर 3 है ना, तो एक तरीका तो है 18 के नीचे 3 जीरो बढ़ा के घटा दो, लेकिन अब हमें यह नहीं करना, सबसे पहले संख्या को राइट लेफ्ट में बराबर करेंगे दोनों पक्षों में। तो यहां पर अगर जीरो बढ़ाएंगे तो बच्चे 18 × 999, अब दोनों बराबर हो गए। क्लियर, किसी भी संख्या के आगे कितनी भी जीरो लगा दो, वैल्यू के मान पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब आपका आंसर आ चुका है, अब बच्चों इसमें से क्या करना है, बोलो -1 घटाना है, तो -1 जब बच्चे आप घटाओगे तो बोलो यहां पर कितना आ जाएगा, 0 1 0 1 7 आ जाएगा, और इधर 3 अंक हैं, 1 2 3, अभी 3 हमें भरने हैं। क्लियर, तो भर दीजिए जल्दी से। तो करना क्या है, ध्यान दीजिए, इस 9 में से 0 में से 9 में से 0 जाएगा, 9 आएगा, इस 9 में से 1 जाएगा, 8 आएगा, इस 9 में से 7 जाएगा, 2, दिस इज द राइट आंसर। तो बच्चे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17982, दैट्स द आंसर। क्लियर, तो बच्चे उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, कितनी भी बड़ी संख्या दी हो। क्लियर, खटाक से आंसर रख दीजिएगा, वही आंसर बाहर हो जाएगा। क्लियर, जल्दी करो, फास्ट जल्दी करिए बच्चों, फास्ट। यहां तक क्लियर है सभी का, यहां तक सभी बच्चों का यदि क्लियर है तो आगे चलूं। जल्दी देखो, अभी मैं और भी टाइप बता रहा हूं। क्लियर, इसको हटा देता हूं, जल्दी देखें सही बच्चे। अब यहां पर मान लेते हैं हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा,
अभी ये टाइप बता रहा हूं 9999, अभी इसके बाद और भी टाइप बताऊंगा खतरनाक टाइप। देखिए कैसे यहां पर बच्चे हमने कितना कर दिया, ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने कर दिया मान लीजिए 1 3 2 1 3 2 into 9 9 9, क्लियर, चार बार कर दो। तो अब बच्चे पहले ये देखो, इधर चार नौ है, इधर तीन संख्या, इधर चार संख्या, पहले इस संख्या को हम जल्दी से क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे, तो घटाने से बच जाओगे। 1 0 बढ़ा सकते हो, 0 1 3 2 into 9 9 9 कर सकते हो। अब रूल अप्लाई कर दीजिए, देन आंसर। सबसे पहले इस संख्या में से माइनस वन घटाओगे, तो बच्चों माइनस वन बटाओगे तो 0 1 3, और इसमें से ये घटे कितना बचेगा 1, और कितनी है 1 2 3 4, क्लियर। अब जल्दी से रख दो, ये आंसर हो गया। तो 9 में से बच्चे 9 में से 0 गया कितना बचेगा 9, 9 में से 1 गया कितना बचेगा 8, 9 में से 3 गया कितना बचेगा 6, 9 में से 1 गया कितना बचेगा 8, दिस इज द आंसर, क्लियर। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया, क्लियर हो गया सभी का। तो बच्चे उम्मीद करता हूँ ये टाइप आपको एकदम से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम बताएंगे आपको सेकेंड टाइप, क्लियर। तो बच्चों सेकेंड टाइप में आइए देखते हैं क्या करना है। और बच्चों एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्लियर, कि ये मल्टीप्लिकेशन अक्सर आपके कैलकुलेशन के टाइम पर यूज होते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ क्या बताया है, केवल ये कॉन्सेप्ट बताया है, क्लियर, 999। अब मैं दूसरे में जो कॉन्सेप्ट बताने चल रहा हूं वो बच्चों दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा, मान लेते हैं यहां पर 8 लिखा है, फिर यहां पर 98 लिखा है, फिर यहां पर 998 लिखा है, फिर यहाँ पे 9998 लिखा है। आ जाओ अब इस टाइप के को नेक्स्ट वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, सेकंड वीडियो। अब बच्चों सेकंड वीडियो में आप इसको जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे आपने ये कॉन्सेप्ट जनरेट कर लिया। अब मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस वीडियो में, सेकंड वीडियो में देखिए मैं ये टाइप बताऊंगा, क्लियर। तो बच्चों वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, अपने बच्चों में शेयर करना मत भूलिए या मित्रों में शेयर करना मत भूलिए, और बच्चों कमेंट्स जरूर करिए, क्लियर। तो आपको मैं नई नई चीजें बना करके दे पाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो बच्चों इसका जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें नई तरीके से नई चीज मिलेगी, क्लियर। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।